हेलो गाइस, आज का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम एक्सचेंज जो मैंने मोबाइल पिछली बार एक्सचेंज के लिए लगाया था उसके लिए आज हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों, बात ये है कि जैसे मैंने एक्सचेंज लगाया, उन्होंने मेरा जो एक्सचेंज प्रोडक्ट था वो लिया ही नहीं, और जो मैंने मंगवाया था वो दिया भी। दोस्तों, उन्होंने बताया कि वो जो एक्सचेंज प्रोडक्ट है वो उठाते ही नहीं है। तो यार, हमें ये नहीं समझ आता कि फ्लिपकार्ट पर फिर एक्सचेंज वाला ऑफ़र क्यों देते हैं कि आपको फ़ोन उठाना ही नहीं है, तो वो ऑफ़र क्यों देते हैं हमें। तो इस कारण मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो हमारे साथ क्या हुआ, हमने पहली बार एक्सचेंज के लिए फ़ोन ऑर्डर किया, तो जो डिलीवरी बॉय वो लेकर आया, उसने मना कर दिया बिल्कुल साफ कि हम एक्सचेंज वाला मोबाइल उठाते नहीं हैं। तो दूसरी बार फिर हमने फ्लिपकार्ट जो कंपनी है वहाँ पर कॉल किया, उन्होंने बोला कि दोबारा आप फ़ोन को ऑर्डर पर लगाओ। तो हमने सोचा चलो यार, फ़ोन दोबारा ऑर्डर किया जाए, तो हमने फ़ोन ऑर्डर किया। तो फ़ोन ऑर्डर होने के बाद वो लेकर आया, हमारी थोड़ी उससे बात हुई, हमने बोला कि आप प्रोडक्ट क्यों नहीं ले रहे हो, हमारे प्रोडक्ट में कमी क्या है ये बताओ, जो कमी है उससे हमारा जो कमी है प्रोडक्ट में उसका आप रुपये ले लो, लेकिन हमारा प्रोडक्ट तो एक्सचेंज में लो और हमें नया मोबाइल तो देना चाहिए। तो उसने साफ मना कर दिया कि बोला कि भाई यंत्रा ऐप है, यंत्रा ऐप के ज़रिए हम प्रोडक्ट तो जांच करते हैं, ये कोई ऐप है, हमें प्ले स्टोर वगैरह कहीं पर नहीं मिली ये ऐप, और थर्ड पार्टिकल ऐप है। मैंने भी बोला कि भाई थर्ड पार्टिकल ऐप कंपनी क्यों यूज़ करेगी, उन्होंने बोला कि थर्ड पार्टिकल ऐप कंपनी यूज़ कर रही है, तो ये यंत्रा ऐप है, इसके ज़रिए आप IMEI नंबर डालकर इसमें सब कुछ चेक कर सकते हो फ़ोन का। और फिर उसने हमारा फ़ोन लिया ही नहीं एक किस्म से, तो अभी तक एक्सचेंज में नहीं हुआ हमारा फ़ोन। तो एक बार ये वीडियो देख लो, फिर मैं आपको और बातें बताता हूँ। मक्सी नहीं होगा भाई, तुम दोबारा तो फोन ऑर्डर मार के आना है, फिर बताइए मक्सी मेरा दोस्त इन्हें में काम कर, इससे ऑफिस है ये पार्सल वाले, वो नुड़े इसी कोई प्रोसेसिंग को नुड़े आ होगा कि मैं मतलब अगर प्रॉफिट कम ज़्यादा होगा मुझे बताए क्या बताइए जानने तो भाई उसका परसेंटेज लग गया, लेकिन उसके ऑफिस है 1500 ऑफिस है इंसान का है नुड़ा जी इनका अंदर मकान ₹7,250 कंपनी बताओ, मैं थोड़ी फोन बताओगे 7,28 में तो आगे बढ़े 7,000 में कुछ फोन है पूरी अमाउंट महंगे रखी 2,800 ऊपर तो ऐड कर रखे ऐड कर उसमें क्वालिटी जो बता रखी है ना कि बॉडी के इतने परसेंट कट सका है भाई इसका मैं अमाउंट समय दिखा दी उनके अमाउंट दिखा दी अमाउंट दिखा दी 7,28 दे दो सर नो तो बता दो अगे इस चीज के इतने इस चीज के लिए अरे इसके क्या बात है तो फिर फोन यू पहले इसका प्रोसेस पूरा होगा बनाओ फिर करूँगा इसका तो इसका तो ओ आगा इसका तो इन्हें अपना तो इनका ऊपर को नहीं हो सकता 7,250 का जी है यार इसका तो प्रोसेस होगा तो चलो हो गया इसका मैं नहीं जा इसका दीजिए कैंसिल करते हैं 7,28 है इतने रुपये देने पड़े बॉडी डैमेज 10-40% निशान को लेके भाई साहब दो तुम निशान को है नहीं IPS ID से भी है सुपर है मोजा है नहीं कि भाई एक के गाइस मैं भी दिखूंगा ये तो सारे फाइल करता था मैं सारा कौन कौन
इंदिरा कोर्ट से लेना इंदिरा में से इंदिरा था ही कोनी इंदिरा है कोनी भाई तू का डाल के रहे 4 दिन आ रहे हैं उनका 4 दिन अगर इन्हें जब फोन चालू होना थी तो ऑन ऑन फोन तो जमानु खेले होना चाहिए डिस्प्ले चालू भाई सब जो कहीं नहीं जाए बात डिस्प्ले चालू है और कंडीशन देख ले फोन में कॉल रिकॉर्डिंग है कॉल रिकॉर्डिंग सुना लियो नंबर तो आ रहा है तू रुपया तो इतने से रहूँगा बता मेरे बता फाइल क्यों गिरा दिखा पे कौन ला रहा है इसके बॉक्स है ये बता अरे इसका तो कैंसिल हो गया तो क्यों होया वो बता दे मारती है ये सब पता है ना ये बिना डाक ना ना ये एमुलेट डिस्प्ले है तो यार बता दो दी एमुलेट डिस्प्ले सब का है हां डब्बा रोड का कैंसिल है कैंसिल है अगर सादा टाइप मान भाई साहब फ्लिपकार्ट खुद कंडीशन याद देवा है अरे तनो का करना के है फ्लिपकार्ट तक में दे दियो मैंने फोन करना करना के है बस सीधा सीधा लोग बता दे इसका मैं निशान से बॉडी बैंड है बॉडी बैंड है बैंड है बैंड दिया ना मान इसके भी साथ अगर ठाई कुकर कहते हो होता है ना मैं तो की गम बना आप तो भर कुकर भाई हाथ में भर जब एक हम आप ऐड हाथ है और हाथ में लग रहा है पास है लड़ा तेरे को तेरे ऊपर ग्रिप है ये डिटेच एक्सचेंज आइटम डिस्कवर 728 हाथ पर कोई डैमेज है जो बात मान लो मत क्या कटेंगे निशान है कंपनी थर्ड पार्टी का ऐप यूज इतनी इतना मैं समझा क्या था ये लोगों दिखा मार दिया कैंसिल कर दिया हुआ कैंसिल कर दिया नहीं कैंसिल कर दिया नहीं आज जब हम ऑर्डर मारा तो है को नहीं चाहिए पहले मामा ऐप डाउनलोड मारा अरे टू दर्ज जी फिर दिखा मारे टू दर्ज जी का वो टू दर्ज बंद कर करो सर खाली मैं थोड़ा ठंडा हूं तो एक पे भी लगा समझ में तो आ भाई अगर तो कंपनी बताओगे मैं थोड़ा बताऊंगा यार मैं बताने का तो भाई 10 वीडियो दे भाई मैं लेकिन इसका जो आज तू बताओ ये समझ से देखा होगी और ये क्रैक क्रोम का डाउनलोड हो सिर्फ प्ले स्टोर पर कभी डाउनलोड हो बेटा पैटिकल ऐप कंपनी क्यों यूज करना लाइव और बता दे मारती मन इस बात का अपन को यार जब तक यंत्र प्रोसेस नहीं होता फोन उस ऐप में सिक्योरिटी नहीं तो वो ऐप क्यों यूज कर लाई तो मैं बता दिए वो आप आपको मेरे गल वो बात मैं कंपनी का थोड़ा बस करेगा कंपनी का लगर मेरे गल थोड़ा करेगा तेरे गल देख फोन तो तू लेना है मैं तुझे फोन पास होगा तो उठाऊंगा नहीं कैंसिल कंपनी तो नो को मामी की कोई ऐप है कोई जो मैं कर दे अरे तो आगे उधर परसों उस दुकान पे दिखाया हुआ है लेकिन लोग ने दिखाया मैं तेरी मानना कंपनी नु को है मैं तूने पता कौन सी सच्ची मान ला देख रही मान नहीं कंपनी के वाला भाई जब तक आप बनाया तो रहा है अपना जो ऑप्शन है नहीं जो फाइल करूंगा तो करूंगा तो कंपनी में बना रही थी कहने अपना क्या तो ऑल इंडिया में बनाया जाए जानबूझ के करेगा वो तो ना ना जानबूझ के ठीक है अरे फिर ये राड़े हैं उन्होंने तो तीन चार दिन में सीधी सीधी नहीं आता जब तक भाई सारा फोन बस मैं 2 जिला काम खत्म कर आन जान का तेरा तोड़ दूंगा अब जी तेरी फोन पास हो गई नी तो मैं तेरा कस्त तो सारे प्रति दूंगा तेरा फोन जी नुके नु पास हो गए
तो फिर केयर वाले क्या देखो तो केयर वाले छोड़ दो मैं छोड़ दो ये मुझे केयर तू उसको ऊपर ना दो केयर वाले ऊपर नहीं चलता बस फिर केयर ही मानने मान दो तो केयर वाले माने केयर ने केयर वाले केयर वाले या बात तेरे फोन में कमी होगी तो एक्चुअली हां उन्हीं कह रहा है केयर वाले ने या बात भी बता रखी उतरा गया डिटैच हो गई रुपए मेरा यार ये कह रहा है कि भी इतने परसेंट तक कर दिया फिर उन्होंने भी कह रहा है डिटैच करके रुपए मेंशन बात कोई नहीं फिर डिटेल में कोई नहीं कोई मेंशन आगे मतलब आगे धक्का थोड़ा है किसी धक्का तो मां भी हूं बड़ी है वाह भाई जो भी डिटेल में लिखा है यूनियन ट्रैक वो बंदा होगा वो चेक करेगा कोई मेंशन कोई अच्छी है तो फिर ये यंत्र आगे ये यंत्र आगे मारी ऐड में ऑप्शन है और ऑप्शन खा लो बोलो लेकिन फ्लिपकार्ट में कर दो लेकिन ये मेंशन कर दे वो मेंशन कर दे वो मेंशन कर दिया मैं भी बोल दो मेंशन क्यों को नहीं मैं थोड़ा बताऊंगा क्यों को नहीं मैं थोड़ा चला रहा हूं वो चला रहा है वो चला रहा है वो चला रहा है तेरा पूछो तो मैंने पूछ ली थी कोई ऐप नहीं इंतरा हाँ कोई ऐप होने किसी चीज कोई लिखी होगी नूले अपना फोन था होगा देखा होगा कोई फंडा को नहीं मामले नो भी क्या था मामले प्ले स्टोर पर कोई ऐप कौन भाई और मामले प्ले स्टोर पर कौन भाई गूगल क्रोम पर हाँ तो मामले यंत्र हमारे तो मामले यंत्र ऐप बताओ कितने मिलेंगे नो भले ही शायद कोई प्रोसीजर है फिर नहीं है तो भाई मेरे गलत था कोई फंडा का नहीं जब ऐप है तो वहाँ ऐप पे हल डालना है जो ऑप्शन डिटैच में होगी नहीं वहाँ रुपये देने पड़ेगा तो फिर इन्होंने बता केयर का था कि मैं बात कराए डिटैच के रुपये कटाए कौन कटाएंगे डिटैच के तो कटाएंगे मतलब डिटैच ही कटे मतलब डिटैच के डिटैच ही कटे फोल्डर लगे फोल्डर जब तक फोन पूरा ओके होगा नहीं फोन पूरा होगा मतलब पूरे साफ हो जाएगा ये फोन है अगर इसमें ये निशान नहीं दिखे गए ये निशान तब तो अपना प्रोसेस हो जाएगा पूरा ठीक है जब तक ये निशान रहेगी तो डिटैच या स्क्रीन में आओगी स्क्रीन में स्क्रीन के सीधी साथ मैं कंपनी बना मैं तो बताऊंगा उसमें क्या परसेंट लिख रखे हैं उसमें कमे हैं लिखने देखिए देखिए फ्लिपकार्ट का है नहीं जब तक ये ऑप्शन रहेगा एंट्री में भाई रोक 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 अरे एक मेरा है एलसीडी डिस्प्ले लाइट आरटी जब तक ये ऑप्शन में नहीं है फोल्डर भी नहीं चलता तो उनकी सुविधा से पिला फोन में जो भी कमी कितने बना रहा है कोई फिर नो इसमें भी है। जो ऐप तेरी प्रोसेस प्रोसेस कर तेरा लास्ट के ईएमआई नंबर के तीन अक्षर बने पड़े ईएमआई नंबर भर दी तेरा फोन की डिस्प्ले काम करवा तेरे हाथ तेरा फिंगर काम करवा होगा तेरा जो मतलब वो मांगेगा भीतर भीतर भी जो जो प्रोसेस है मतलब इसका मैं स्क्रीन में कई कमी है वो तीन निशान आओगे इतना ये कर पाऊंगा इतना ये पाऊंगा ऐड स्पेस पाऊंगा ऐड ला पाऊंगा ऐड लाल पाऊंगा ठीक है मैं ऑटोमेटिक निशान कर रहा तो ऑटोमेटिक बता देगा आप ऑटोमेटिक रहेगा निशान पाओगे बीच में निशान पाऊंगा और जो इसका मैं ब्लूटूथ चल रहा है जो भी ऑप्शन चल रहा है इसका मैं वो ऑटोमेटिक पे करता हूँ जमा में यंत्र वाला गल क्रिकन है फिर ऑर्डर मारा फिर अगला प्रोसेस फिर होगा तो फिर उसमें कदे फिर दूसरे फिर कि मेरे धक्के खवावे हैं कौन आड़े गन है यंत्र ऐप भी होगी फिर आगे ने वो तो मेरे फोन बताओ भाई फोन बताओ कोई यंत्र ऐप पास होगी नहीं है तेरा फोन में मैं भी यंत्र ऐप पास करूंगा यंत्र ऐप की वजह से नहीं मैं बताया कह रहे कट रहे हमारे भाई उसका प्रोसेस उसका करना है ई एम आई नंबर पर दे मेरा फोन में सुधर करना ये ऑप्शन नहीं है जिनमें कितना है फ्लिपकार्ट कोई मैटर नहीं होता भाई मैं अगर फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट डिलीवरी करना काम होता है डिलीवरी करना हमारे ई कार्ट में थ्री पार्टी थर्ड पार्टी दी हुई है फ्लिपकार्ट की ई कार्ट है अच्छा थर्ड पार्टी दी हुई है ये काम करती है तो नहीं फ्लिपकार्ट में फोन भी करेगा नहीं फोन कर पाए जब भी फ्लिपकार्ट खुद बंदा सप्लाई कर फ्लिपकार्ट खुद बंदा नहीं रहा थर्ड पार्टी डिलीवरी है थर्ड पार्टी डिलीवरी है ई कार्ड मतलब फ्लिपकार्ट की तरफ फ्लिपकार्ट का कोई मैटर नहीं है फ्लिपकार्ट सिर्फ तरह ऑर्डर प्लेस कर रखा है ना
फ्लिपकार्ट से इतना ऑर्डर प्लेस कर रखा है, अरे यही कार्ट का बंदा होगा, अरे ये कार्ट की यंत्र, ये कार्ट की यंत्र, ये कार्ट की यंत्र ऐप से चला मनीष। तो दोस्तों वीडियो देखने के बाद आपने देखा होगा कि जो ये बंदा आया था उसने एक्सचेंज करने से बिल्कुल साफ मना कर दिया। उसने बताया कि ये यंत्रा ऐप है, उसके ज़रिए ये फ़ोन वो लेकर जा सकता है, वो पास होता तो वो यंत्रा ऐप में जो प्रोडक्ट डिटेल होती है वो पास होते ही ये फ़ोन लेकर जा सकता था। तो यार हमने सोचा चलो देखते हैं, वो चला गया अपने फ्लिपकार्ट के पास फ़ोन किया। तो हमने फ़ोन करने के बाद पाया कि उन्होंने ये बोला कि ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है, जो यंत्रा वगैरह ऐप है उन्होंने उनको भी नहीं पता यंत्रा ऐप है या नहीं है। तो वो बोले कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है, तो आप दोबारा फ़ोन ऑर्डर कर लो। हमने दोबारा किया फ़ोन ऑर्डर, दोबारा करने के बाद भी उसने, जब कल ही की बात है, कल मैंने लेकर गया मैं ये फ़ोन, C1 था, Realme C1, और वो C20 के जरिए वो एक्सचेंज में लगाया हुआ था। तो उस बंदे ने पता क्या किया, मैंने फ़ोन किया, वो बोला कि आप इस दुकान पर आ जाना। हम गए वहाँ पर, चल जाने के बाद वो दुकान पर नहीं था, उसने दूसरे बंदे को फ़ोन करके बोल दिया कि भाई आपका प्रोडक्ट एक्सचेंज नहीं होगा बिल्कुल भी, फ़ोन के जो बिना आप कुछ देखे फ़ोन को ही एक्सचेंज करने से मना कर दिया। ये नहीं फंडा समझ आता यार फ्लिपकार्ट फिर ये एक्सचेंज वाला ऑफर क्यों देता हमें। तो यंत्र ऐप की बात करें तो जो फ्लिपकार्ट वाले जो हैं कंपनी वाले उनसे, जो कस्टमर केयर वाले उनसे बात की, उन्होंने मना कर दिया कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। तो हमने उनसे बात करी, वो बोले कि ये हमारी ऐप है, जैसे फ्लिपकार्ट पर कोई ऑर्डर करता है वो पार्सल डिलीवरी बॉय हो जाता है, जो अलग कंपनी होती है, जैसे कोई अलग अलग कंपनी इनको पार्सल करती है, डिलीवरी वाले हो गए या अलग अलग है कुरियर वाले हो गए, तो ये सब ना अलग अलग के जरिए इनके फ़ोन में अंदर ऐप होती है, जो डिलीवरी वाली जो कंपनी जो है ये देती है, इनका अलग जो प्रोसीजर है वो होता है। तो ये आते हैं, ये अलग कंपनी से आते हैं और माल उठाते हैं, ये डिलीवरी करते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई यंत्र ऐप के ज़रिए ऐसा ऐसा कुछ है, जब जाके आपका फ़ोन एक्सचेंज में लगे ऐसे हम एक्सचेंज नहीं कर सकते हैं। तो उसने साफ मना कर दिया कि हम फ़ोन एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो फ्लिपकार्ट क्यों देता है एक्सचेंज वाला ऑफ़र, उससे बढ़िया आप ये एक्सचेंज वाला हटा ही दो। तो दोस्त जो डिलीवरी बॉय है उसने एक बात और बोली, वो बोला कि जो आप एक्सचेंज लगाते हो फ़ोन, वो फ़ोन बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, उसके ऊपर कोई स्क्रीन पर क्लीन या कुछ भी मतलब ऐसा वैसा कोई टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। यार ये बताओ हमें, जब फ़ोन ही ऐसा हम देंगे तो एक्सचेंज करने का मतलब ही क्या हुआ। कोई देता है यार कोई टूट फूट होगी उसका परसेंटेज घटा लेता है फ्लिपकार्ट, उसका काट लेता है और उसके ज़रिए हमें थोड़े फालतू रुपये देने होते हैं, लेकिन इसने बिल्कुल मना कर दिया। और जो हमारा मोबाइल था, वैसे नया मोबाइल था, आता था 7,000 रुपये का, लेकिन उसने जो चेक किया ना, चेक करने के बाद एक बार चेक किया था, चेक करने के बाद वो मोबाइल हमारा 28 रुपये का फालतू दोगे, 7,000 तो देने देने, और उसके ऊपर जैसे एक्सचेंज में लगाया था उसके ऊपर हमें 4,000 के करीब रुपये और देने थे। यार फिर हम नया मोबाइल ही ले लेंगे, ऐसा क्यों करता फ्लिपकार्ट हमें ये नहीं समझ आता। जो ये एक्सचेंज वाली ये प्रॉब्लम है जो आपके साथ फेस हुई है तो हमें ज़रूर बताना। जय हिंद।